नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। 30वें दिन पठान को सिनेमाघर में धूम मचाते हुए पूरे 4 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। फिल्म के कमाई के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पठान के सामने कोई भी फिल्म ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पा रही है। वहीं 17 फरवरी को रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजाद, हॉलीवुड फिल्म आंट मैन और आज रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी को मिली रिस्पॉन्स से यही लग रहा है कि ये फिल्म भी पठान के बॉक्स ऑफिस से हिला नहीं पाएगी। 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो चुके पठान की जीत का आंकड़ा देश और विदेश में भी जोरों से बज रहा है। वही फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कुंडली जमाकर बैठे हुए हैं। अभी भी किंग खान के फैंस लगातार सिनेमाघरों में बाकी फिल्मों को छोड़कर पठान को देखने के लिए ही पसंद कर रहे हैं। शाहरुख खान और पठान के इस कॉम्बिनेशन को बॉक्स ऑफिस से अभी तक रिलीज हुई कोई भी फिल्म हिला नहीं पाया है। जहां तक कार्तिक आर्यन ने पठान के डर से फिल्म की रिलीज डेट 10 फरवरी से 17 फरवरी कर दी थी, तो वहीं अक्षय कुमार और इमरान की जोड़ी भी सेल्फी से कोई खास कमाल करती नजर नहीं आ रही है। जानी 30वें दिन पठान का धांसू कलेक्शन से पार करना किसी भी हिंदी फिल्म के लिए मुश्किल साबित होगा। वहीं 30वें दिन पठान का घरेलू बॉक्स ऑफिस काफी धमाकेदार रहा है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1.8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं इस तरह से इंडिया में फिल्म पठान का कुल कलेक्शन 520 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1008 करोड़ रहा। वहीं इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी हिंदी फिल्म के लिए नामुमकिन लग रहा है। वहीं पठान लगातार सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पठान के बाद रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजाद, हॉलीवुड फिल्म आंट मैन 3 बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है, तो वहीं आज रिलीज हुई अक्षय और इमरान की फिल्म सेल्फी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। ऐसे में देखा जाए तो फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कई फिल्म अगर हिला नहीं पाई है तो वहीं शाहरुख खान की ही कोई फिल्म होगी। साल 2023 में शाहरुख खान जल्द ही फिल्म जवान और डंकी में नजर आएंगी। इसके साथ ही फिल्म डॉन 3 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल 4 सालों बाद शाहरुख खान ने हिंदी फिल्मों में वापसी करके कई इतिहास रच दिए हैं, जिसे तोड़ना किसी भी बॉलीवुड स्टार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा।